11th क्लास के समूह विद्यार्थियों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। प्यारे विद्यार्थियों, आपां अपना लैसन नंबर 2 ट्रेन कर रहे सी। इंदे विच आपां इस दी जो स्टोरी है और इस दे जो एक्टिविटीज ने बेटे एक्टिविटी नंबर 1, 2 और 3 आपां कर ली है। अज आपां जिहड़ी बेटे एक्टिविटी नंबर आपां करांगे जिहड़ी है वह है नंबर 4 नंबर एक्टिविटी। हाँ जी, 4 नंबर एक्टिविटी, रीड द फॉलोइंग लाइनस एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कहते लाइन पढ़ के तुसी जिहड़ा प्रश्न है उन्हां दा उत्तर देना है। तो प्रश्न की है बेटे, वट डू द अबव लाइनस रैफर टू। कहते जो उपर दित्तियां लाइना किसनू रैफर कर दियां ने, किसनू संबोधन कर दियां ने। तो आंसर की आएगा बेटे, ट्रेन्स, ट्रेन्स। ठीक है बेटे, आंसर आएगा ट्रेन्स। दीज अबव लाइनस रैफर टू ट्रेन्स। हाँ जी बेटे, इनका दूसरा क्वेश्चन की है, वट डू द डे एंड डार्कनेस एंड डस्क एंड डॉन इन द पोइम टेल द रीडर। हाँ जी, प्रश्न नंबर 2 दे विच की है, डे एंड डार्कनेस की है, दिन अते रात, शाम अते सांझ। पोइम दे विच रीडर नू की दसन की कोशिश करदियां ने, यह दसन की कोशिश करदियां ने ट्रेन्स की है बेटे, ट्रेन्स रन थ्रू आउट द डे और एंड नाइट, कि ट्रेन्स ने दिन अते रात जिहड़ा की है वह चलदियां रहिंदियां हन। हाँ जी बेटे, अगे अपनी जिहड़ी आ गई है लर्निंग लैंग्वेज, इहदे च बेटे तुसीं वेखो कुछ शब्द ने जिहड़े ने कंजंक्शनस। तां बेटे सब तो पहला कंजंक्शन का आपां पता होवे, कंजंक्शन का मतलब की हुंदा है, जोड़ना। तो इहदे च बेटे वर्ड है सो दा मतलब हुंदा इस लई, बिकॉज का मतलब हुंदा क्योंकि, आलदो का मतलब हुंदा भावें, आलदो का मतलब हुंदा भावें जां फिर भी, जैट का मतलब फिर भी। ठीक है, आलदो भावें जैट फिर भी। वी यूज कंजंक्शन लाइक एंड और बट, बिकॉज एंड आलदो टू जॉइन टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो आप इन्हें कंजंक्शन की वरतों कदों करते हैं जो आप दो वाकों जोड़ना हो। कंजंक्शन कैन बी यूज टू गिव मोर और अनएक्सपैक्टड इनफॉर्मेशन, रिजल्ट, ऑप्शन एंड रीजनस। तो इन आप है कुछ नवी चीज़ा निकल के अपने सामने आदि ने, तो वो आप अगर देखते हैं बेटे। एक्टिविटी नंबर 5 आप करा इस संबंधित, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो विद सो और बिकॉज, हेयर आर ए फ्यू एग्जाम्पल। तो सो और बिकॉज, सिर्फ बेटे आप सो का मतलब होंगे इसलिए, बिकॉज का मतलब होंगे क्योंकि। इन दोनों कंजंक्शन की वरतों करके आप नीचे जी एग्जाम्पल दिखाई ने उन्होंने करने की कोशिश करा। तो कि यह फस्ट, राजन इज़ हैप्पी बिकॉज ही हैज स्टूड फस्ट इन द रेस। राजन खुश है बिकॉज का मतलब होंगे क्योंकि, क्योंकि ही हैज स्टूड फस्ट इन द रेस, क्योंकि वह रेस में पहले स्थान पर आया है। इट वॉज रेनिंग सो आई डिड नॉट गो टू स्कूल। कि यह वर्खा हो रही सी इस करके, सो का मतलब होंगे इस करके, बिकॉज का मतलब होंगे क्योंकि, सो का मतलब होंगे इस करके। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया। बेटे आओ आप जी एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, सो और बिकॉज आप लगाने की कोशिश करते हैं। तो की आऊगा, सो ले मैं एस लावगा और बिकॉज ले मैं बी की वरतों करा। जिमें माई डॉग वाज हंगरी डैश इट स्टोल बिस्कुट। सो इत की आएगा बेटे, इतने बेटे आएगा सो एस। ठीक है बेटे, अपना दूसरा वाक की है, दूसरा वाक है आई एम फीलिंग स्लीपी बिकॉज, इत आएगा बेटे बी ऑप्शन। थर्ड दे विच की आएगा, थर्ड दे विच बबली बॉट न्यू क्लोथ डैश शी वांटेड टू वीयर ऑन दिवाली। इत की आएगा बी, इतने भी बी बिकॉज। इट वॉज रेनिंग डैश माई बुक गोट वैट। सो एस इत आप लगावे एस। ही डिड नॉट स्टडी हार्ड ही फेल्ड द टेस्ट। सो एस इस करके वो फेल होगी। छेवां की आस्कड फॉर डायरेक्शन डैश आई वॉज लॉस्ट बिकॉज। इतने आएगा बिकॉज, क्योंकि मैं गुम हो गई सी। सतवां आई डिड नॉट क्लीन द रूम इट बिकेम डर्टी। सो इट बिकेम इस करके वो गंदा हो गया। आई मैट विद एन एक्सीडेंट, मैं एक्सीडेंट मिल गई। डैश आई वॉज ड्राइविंग फास्ट बिकॉज, बिकॉज की क्योंकि मैं तेज चला रही सी। नौवें दीपा वेंट टू द डॉक्टर डैश शी वॉज फीलिंग सिक।
बिकॉज़ इन की आएगा बिकॉज़ बी आएगा मोहन डिड नॉट हेल्प सोन मोहन ने सोन की मदद नहीं की ही वॉज नॉट वैल बिकॉज ही वॉज नॉट वैल तो इतने भी आप लावे बी तो यह बेटे थोड़ी जी एक्सरसाइज है एस का मतलब की है सो और बी का मतलब है बिकॉज एस का मतलब सो बी का मतलब बिकॉज ठीक है तो यह थोड़ी बेटे एक्सरसाइज सी थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चे।